बसमिल आज इस लेक्चर में हम एक्सल स्केलेटन का स्केलेटन का दूसरा हिस्सा यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन हम करेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सील स्केलेटन सारा का सारा करवाया था जिसमें एटी बोन्स थे इस लेक्चर में आज हम इंशाल्लाह करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन और इस एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल हमारे पास वन ट्वेंटी आते हैं वन ट्वेंटी हमारे पास इसमें आते हैं डिकुलर uh, स्केलेटन को बुक uh, वालों ने तो चार हिस्से इसके बनाए हैं uh, मैं इसके सिर्फ दो इसके दो हिस्से बनाऊंगा uh, इसमें से एक साइड पर uh, यानी पेक्टोरल गर्डल और फोर लिम्स यानी एक साइड पर इसको मैं दो हिस्सों पे डिवाइड करता हूँ एपेंडिकुलर स्केलेटन को ये है uh, इस साइड पर हमारे पास नंबर वन पेक्टोरल गर्डल नंबर वन पेक्टोरल गर्डल असल में पेक्टोरल गर्डल क्या है असल में हमारे पास पिक्टोरल गर्डल है शोल्डर रीजन तो शोल्डर रीजन में कितने बोन्स है हमारे पास शोल्डर रीजन में है आ, दो बोन्स यानी पिक्टोरल गर्डन में दो बोन्स पाए जाते हैं शोल्डर रीजन में दो बोन्स पाए जाते हैं और उन बोन्स के नाम क्या है वो बोन है एक है इसके और एक है क्लिविकल दो बोन्स है एक का नाम है इसके और दूसरे दुस, का नाम है क्लीविकल। फिर इसके बाद फोर लिम्स दूसरा हिस्सा इसका है फोर लिम्स और फोर लिम्स में आते हैं हैंड्स और आर्म्स यानी आर्म्स एंड हैंड्स तो इसमें टोटल कितने बोन्स है सब कुछ अभी हम क्लियर करेंगे फोर लिम्स में सबसे पहले अपर आम रीजन में यानी अपर आम मैं मेंशन करूंगा कि अपर आम कौन सा रीजन है और इसमें कितने हैं अपर आम में हमारे पास एक बोन है और उस एक बोन का नाम है ह्यूमेरस एक ही बोन पाया जाता है और इस एक ही बोन का नाम है ह्यूमेरस फिर इसके बाद लोअर आर्म तो लोअर आर्म में हमारे पास दो बोन्स मौजूद है उन दो बोन्स के नाम है एक को हम कहते हैं रेडियस और एक को हम नाम देते हैं अल्ना दो बोन्स ये हो गए फिर इसके बाद नंबर थर्ड एंकल रीजन आता है एंकल सॉरी रेस्ट रीजन रेस्ट कलाई जहाँ पर uh, जो बोन्स पाए जाते हैं उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं और उसको नाम हम देते हैं uh, कारपल उसको नाम हम देते हैं कारपल बोन्स और कारपल कितने बोन्स है ये है एट बोन्स ये टोटल कितने बोन्स है ये एट बोन्स है फिर हर बोन का स्पेसिफिक स्पेसिफिक नाम है वो नाम वो ही स्पेसिफिक नाम उसको याद करना वो आपका वो स्टेज नहीं है वो इफ इसी लेवल पर इंशाल्लाह फिर आप लोग उसको पढ़ेंगे फिर इसके बाद रेस्ट रीजन के बाद आता है पाम रीजन पी एल एम पाम रीजन और यहाँ पर जो बोन्स है उसको हम कहते हैं मीठा कार्पल उसको हम कहते नाम देते हैं मीटा कार्पल और मीटा कार्पल ये कितने बोन्स है ये फ़ाइव बोन्स है टोटल ये कितने बोन्स है ये टोटल फाइव बोन्स है फिर इसके बाद आ, आ, हमारे पास फिंगर्स और थंब्स आते हैं फिंगर्स प्लस थंब और ये इस कितने इसमें कितने बोन्स है इसमें टोटल फोटीन बोन्स है और इसका नाम है फिलेंज इसको हम नाम देते हैं फेलेंजेस और ये टोटल कितने बोन्स हैं ये फ़ोटीन होते हैं एक ही हाथ में यानी चार फिंगर और एक तम में टोटल फोटीन फेलेंजेस है अभी आ, मैं आपको बुक में आ, मेंशन करूंगा कि ये फोर लिम्स में अपर रीजन और लोअर रीजन में बोन्स कहां कहाँ हैं कौन कौन से है तो ये है हमारे पास एक ये शोल्डर रीजन शोल्डर रीजन में ये बोन जो मैं मेंशन कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं क्लेविकल uh, और फिर इसके बाद साइड पे जो बोन है उसको हम नाम देते हैं स्केप्यूला ये हमारे पास अपर आर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बोन है उसको हम नाम देते हैं ह्यूमरस फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लोअर आर्म है और यहाँ पर दो बोन्स पाए जाते हैं एक को हम कहते हैं रेडियस और एक को हम कहते हैं अल्ना तो ये अपर आर्म जिसमें एक बोन है ह्यूमेरस और यहाँ पर ये लोअर आर्म जिसमें दो बोन्स है जिसको हम नाम देते हैं रेडियस एंड अल्ना फिर इसके बाद हमारे पास है रेस्ट रीजन जिसको हम कलाई कहते हैं उसमें हमारे पास कितने बोन्स है उसमें हमारे पास आ, उसमें हमारे पास है आ, एड बोन्स जिस तरह ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलाई है ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कलाई तो यहाँ पर टोटल एट बोन्स है ये एक बोन नहीं है यहाँ पर एक बोन्स है और उसको हमने नाम दिया है यानी उसको कलेक्टिवली उसको हम नाम देते हैं कार्पल फिर यहाँ पर ये जो है यहाँ इस रीजन में इसको ये वन बोन ये टू ये थर्ड ये फोर्थ और ये फिफ्थ इन बोन्स को हम कहते हैं मीटा कॉर्पल्ज इसको हम कहते हैं मीठा कॉपल और ये पांच बोन्स है फिर इसके बाद फैलेंजेज़ हमारे फिंगर्स में फ़ोटीन फैलेंजेज है ये जो नज़र आ रहा है आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्फ और थर्टीन एंड फोटीन यहाँ पर दो फैलेंजेस तो ये फ़ोर्टीन फल हो गए तो इसको अगर हम ऐट करेंगे यानी ये, दो हमारे पास आ, पिक्टोरल गर्डल में या शोल्डर रीजन में फिर इसके बाद फोर लेम्स में एक हमारे पास ह्यूमरस है फिर लोअर आर्म में दो बोन्स ये टू हो गए फिर इसके बाद रिस्ट रीजन में एट बोन्स यानी कार्पल्स फिर पाम रीजन में मीटा कार्पल ये फ़ाइव हो गए और फिर इसके बाद फोटीन फेलेंजेस इसको अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो टू और वन ये थ्री ये फाइव फाइव और फाइव टेन टेन और एट एटीन एटीन और फोटीन ये हमारे पास टोटल हो गई थर्टी टू बॉन्स कितने हो गए ये ये थर्टी टू बॉन्स लेकिन ये हमने सिर्फ एक साइड लिया तो थर्टी टू एक साइड पर राइट साइड पर और थर्टी टू लेफ्ट साइड पर तो ये है टोटल सिक्सटी फोर बॉन्स हमारे पास हो गए शोल्डर रीजन में और प्लस आर्म्स एंड हैंड्स इसमें से टोटल कितने बोन्स हो गए इसमें से टोटल सिक्सटी फोर बॉन्स ये हो गए अभी पेक्टोरल गर्डल तो हो गया और इसके साथ फोर लिम्स अभी हमारे पास है पेल्विक गर्डल नंबर टू यहां पर मैं मेंशन करूंगा कि पेल्विक गर्डल नंबर थ्री पेल्विक गर्डल पेल्विक गर्डल जिसको हम सिंपल कहते हैं हेप रीजन जिसको हम सिंपल कहते हैं हेप रीजन तो हेप रीजन में कितने बोन्स है हिप रीजन में तीन छोटे तीन बोन्स हैं लेकिन वही बोन्स आपस में फ्यूज़ हैं उन तीन बोन्स का नाम है एस्कियम एक है एस्कियम दूसरा है एलियम और तीसरा है प्यूबिस तीसरा है प्यूबिस तो ये तीनों बोन्स आपस में फ्यूज़ है और उन्होंने एक ही बोन बनाई है जिसको हम नाम देते हैं कॉकजल बोन तो यह हमारे पास एक ही बोन है इसको हम एक ही काउंट करेंगे यानी हेपरीजन में पेलवे गर्डल में हमारे पास एक ही बोन है जिसका नाम है कोक्सल बोन फिर इसके बाद नंबर फोर यहाँ पर हम लेंगे हाइंड लिम्स जिसमें हमारे पास आता है लिग्स और फीट इसमें हमारे पास है हाइंड लिम्स हाइंड लिम्स और प्लस यानी हाइड लिम्स इसमें क्या आता है इसमें आता है लेग लिग्स और लेग्स के साथ साथ फीट ये हाइंड लिम्स के हिस्से हैं अभी इसमें कौन कौन से बोन्स पाए जाते हैं तो सबसे पहले यानी हाइंड लिम्स में नाम आप लोगों ने सुना होगा थाई रीजन थाई रीजन में हमारे पास एक बोन है एक बोन जिसको हम नाम देते हैं फेमर जिसको हम नाम देते हैं फीमर और याद रखिए कि ये फीमर हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे लार्जेस्ट बोन है फीमर फिर इसके बाद ये थाई रीजन जिसमें एक बोन फिर इसके बाद शेंक रीजन सॉरी नी जिसको नी और नी में हमारे पास एक बोन है जिसको हम नाम देते हैं पेठेला पेठेला फिर इसके बाद है शेंक रीजन शेंक रीजन बुक डायग्राम में मैं मेंशन करूंगा कि शेंक कौन से कौन सा रीजन है और इसमें कौन से दो बोन्स इसमें दो बोन्स मौजूद है एक को हम नाम देते हैं टीबिया और एक को हम नाम देते हैं फिब्यूला एक को हम नाम देते हैं फिब्यूला ये दो बोन्स शेंक रीजन में मौजूद फिर इसके बाद आता है एंकल रीजन एंकल रीजन में हमारे पास कितने बोन्स है इसको हम नाम देते हैं टारसल्स नाम देते हैं टारसल्स और ये कितने बोन्स ये टोटल है सेवन बोन्स फिर इसके बाद आ, यानी पाम रीजन में आ, उसमें हमारे पास आ, जो बोन्स है उसको हम नाम देते हैं मीठा टारसल्स मीठा टारसल्स और ये कितने बोन्स है ये फ़ाइव बोन्स और फिर इसके बाद फेलेंजेस फेलेंजेस यानी फिंगर्स में टू में सॉरी जो बोन्स पाए जाते हैं उसको हम नाम देते हैं फेलेंजेस और फेलेंजेस में टोटल कितने बोन्स है ये टोटल फेलेंजेस टोटल कितने हैं ये टोटल फोटीन है तो याद रखिए कि जिस तरह आम में हमने वो लीड लिखा था कि एट कार्पल है यहाँ पर हमारे पास एंकल लीजन इसमें टारसल्स है और ये सेवन है फिर इसके बाद उधर पाम में मीटा कार्पल वो फाइव बोन्स थे इधर मीटा टारसल्स और ये भी फाइव हमारे पास हाथों में फैलेंज़ फ़ोटीन है हमारे पास टू में यानी उसमें जो फिंगर्स है उसमें भी फोटीन बोन्स टोटल पाए जाते हैं तो आइए इसको भी अभी हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास एक कॉगजल बोन हो गया यानी पेल्विक रीजन या हिप रीजन में जो बोन है फिर इसके बाद एक हमारे पास है थाई रीजन में सॉरी इससे पहले मैं मेंशन करूं कि ये कौन कौन सी रीजन है ये हमारे पास ये जो है इसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल या इसको हम हिप रीजन भी कहते हैं तो पेल्विक गर्डल या हिप रीजन में तीन बोन्स कंबाइन हैं अभी इसको इस डायग्राम में मैं क्लियर नहीं कर सकता लेकिन तीन बोन्स है कलेक्टिवली हम इसको कागजल बोन कहते हैं ये एक कागजल बोन फिर इसके बाद ये थाई रीजन पे जो बोन है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन लार्जेस्ट बोन जिसको हम नाम देते हैं फेमर फिर यहाँ पर ये लेग में लेग में दो बोन्स जिसको हम नाम देते हैं टीबिया एंड फेब्यूला फिर ये एंकल रीजन सॉरी इससे पहले यहाँ पर जो नी बोन आपको क्लियर नज़र आ रहा है ये यहाँ पर जो नी बोन है इसको हम नाम देते हैं पेटेला फिर इसके बाद ये एंकल रीजन में हमारे पास सेवन बोन्स जिसको हम नाम देते हैं ठारसल्स और फिर यहाँ पर इस रीजन में ये जो आपको नज़र ये वन ये टू ये थ्री ये फ़ोर ये फ़ाइव इसको हम कहते हैं मीटा टारसल और फिर ये टू यानी जो फिंगर्स है यहाँ पर जो बोन्स है ये ये बोन्स है फ़ोटीन फेलेंजेज़ तो आइए इसको हम अभी कैलकुलेट कर देते हैं ये एक हमारे पास कागजेल बोन हो गया फिर इसके बाद ये एक हमारे पास फेमर हो गया फिर इसके बाद एक हमारे पास पेटेला हो गया जो नी बोन है फिर दो शेंक रीजन में ये शेंक रीजन में जिसको हम नाम देते हैं टीबिया एंड फिबुला दो बोन्स वो हो गए फिर इसके बाद सेवन टारसल्स हो गए फिर इसके बाद फाइव मीटा टारसल हो गए और फिर इसके बाद फोटीन फेलेंजेज तो इसको टोटल तो अगर हम वेट करें वन टू थ्री और ये फाइफ ये फाइव और फाइफ टेन और ये सेवन सेवनटीन और सेवनटीन uh, और फोटीन ये टोटल हो गए थर्टी वन तो थर्टी वन राइट साइड पर और इसको हम टू के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि लेफ़्ट साइड पर भी थर्टी वन है तो इससे आएगा टोटल फिगर सिक्सटी टू तो ये है यानी सिक्सटी फोर हमारे पास पेक्टोरल गर्डल और फोर लिम्ब में और सिक्सटी टू हमारे पास पिल्वे गर्डल और हाइंड लिब में तो सिक्सटी फोर प्लस ये है सिक्सटी टू तो ये टोटल आ गई है वन ट्वेंटी सिक्स बॉन और मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास टोटल कितने बोन्स हैं ये टोटल ट्वे, वन सिक्स बोन्स पाए जाते हैं तो स्केलेटन में एटी बोन और एपेंडिकुलर स्केलेटन में वन ट्वेंटी सिक्स बोन तो पूरे इंसान ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने बोन्स बोन् और ये आज का हमारा टॉपिक था कि, आ, हुमन, हुमन स्केलेटन और इसके पार्ट्स तो अब यहां पर मैंने एक एक बोन आपको मैंशन किया यहाँ पर ये जो टारसल्स आपको न, कार्पल आपको नजर आ रहे हैं और टारसल्स इसके पर स्पेसिफिक नेम भी है लेकिन यहाँ पर इस स्टेज में इसकी डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है बस सिर्फ़ आप इतना याद रखिए कि कार्पल्स कितने हैं एट मीठा कार्पल कितने हैं फ़ाइफ टारसल कितने हैं सेवन मीठा टारसल कितने हैं फाइफ तो अच्छी तरह ये स्केच इसको याद करें स्केच बनाएं डाइग्राम भी बनाएँ और इसको याद कर लें क्योंकि ये एग्जाम का हिस्सा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है